हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है लक्ष्मी पूजा के नेक्स्ट डे और रात के टाइम है। रात के जो पूजा वगैरह है अभी चल रहा था, आरती जस्ट कंप्लीट हुआ। और आरती के बाद ये जो आरती किया जाता है ना, इससे शेक टाइप का लेना होता है, रिचुअल्स वगैरह है वो ही चल रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे आज का प्रसाद थाली, जिसमें है नारियल का लड्डू और पूरी, जो मैदा वाला पूरी है उसके साथ बताशा। आरती अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा था। बहुत सारे चीज़ आरती किया जाता है। सबसे पहले जो होता है, जो पौंचो पोदीप होता है, मतलब दिया, उसके बाद कपूर होता है, कपूर से किया जाता है। उसके बाद धूप से, फूल से, सॉन्ग से और एंट में ना ये पंखा से किया जाता है। और फाइनली पूजा कंप्लीट रात की। अभी प्रसाद का जो थाली है ना, वो ही अभी मतलब देने के लिए, सब कुछ बांटने के लिए प्रिपरेशन मतलब रेडी किया जा रहा था। और हम सबको मिला पूरी लड्डू। और उसके बाद हमारे डांसिंग चल रहा था। आज हमारे साथ ना हमारे आंटी लोग भी मिले हुए थे। बहुत ही इन्जॉयमेंट हो रहा था इस टाइम, फैमिली मेम्बर सब मिल के हम लोग इन्जॉय कर रही थी और सच में बहुत मस्ती हो रहा था। और यहाँ पे अभी गाने चल रहा है, नागिन, परम सुंदरी, ऐसा बहुत सारा हिंदी सॉन्ग्स चल रहा है, जिसमें हमारे साथ साथ हमारे आंटी लोग भी यहाँ पे डांस कर रहा, मतलब कर रही थी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नेक्स्ट डे और आज हमारा विसर्जन भी है। तो विसर्जन के लिए जो पूजा पाठ, मतलब लास्ट का जो पूजा पाठ होता है, वही चल रहा है यहाँ पर। और ये हमारे प्रसाद है। प्रसाद में बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह बहुत कुछ है। और सब कुछ जैसे पूजा होता है, पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। विसर्जन के पहले होता है आरती और भी काफ़ी सारा रिचुअल्स है जो किया जाता है। और आज मतलब इसके बाद और नहीं पूजा होगा, रात को जाके विसर्जन होगा इसके बाद। रिचुअल्स विसर्जन के पहले किया जाता है। जो ये थाली में ना आलता और दूध है, उसके बीच में रखा गया यहाँ पर, क्या बोलते, शीशे रखा गया एक छोटा सा, और इसमें मुंह देखना होता है, मतलब लक्ष्मी माता की। पंडित जी देख रहा था। और इसके बाद जो मतलब विसर्जन के लिए ये होता है, इसको बोलते हैं सूतो काटा, मीन्स ये जो धागा है ना, इसको खोल दिया जाता है और पूजा वाला डे पे ना इसको बांध दिया जाता है। और देखो ये होता है घाट, मंगल घाट, जिसको थोड़ा सा हिला दिया जाता है, बस हो चुका है। इवनिंग टाइम है और यहाँ पे मंडप से हमारे देवी माँ को बाहर लाया जा रहा है। सूरज रहते रहते, यानी कि जो सनलाइट है वो रहते रहते निकालना पड़ता है। और अभी टोटली रात हो चुका है, यहाँ पे चल रहा है बोरुन। विदाई देने के पहले बोरुन चलता है, मिठाई वगैरह सब कुछ खिलाना, जो रिचुअल्स वगैरह होता है मैं डिटेल्स में दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो।
डांसिंग तो बनता है। 2 दिन से ऐसे ही हम लोग डांस कर रहे थे, और आज तो भाषण है, भाषण डांस तो बनता है। और आज हमारे साथ जो बॉयज़ है, बॉयज़ भी लग चुके हैं डांसिंग में। बच्चा पार्टी तो है ही, उसके साथ हम लोग भी हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि जो लाइट लगाया गया ना वो एक्चुअली पार्टी लाइट है। और इसके बीच में हमारे सिंदूर खेला भी हो चुका है, जो मैं सॉरी गाइस दिखा नहीं पाई हूँ। वीडियो मतलब जब मैं देख रही थी ना, मुझे ही ये लग रहा था मैं ये स्पेशल मोमेंट शूट नहीं कर पाई, सो क्या करे। और यहाँ पे प्रसाद जो सबको बांटने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रसाद के साथ मिठाई भी है। और ये विसर्जन के पहले हम लोग यहाँ ये सब अरेंज किया था सबको देने के लिए, वही है सबको बांटने के लिए। और आखिरी में यहाँ पे और भी रिचुअल्स वगैरह है वो चल रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। विसर्जन के लिए हम लोग जा रहे हूँ एक तालाब में, जो कि हमारे घर से ना थोड़ी दूरी पर ही है, मिनिमम 1 किलोमीटर तो जाना पड़ता है, 1 डेढ़ हो जाएगा। और हम लोग पैदल जा रहे थे, बहुत ही मस्ती हो रहा था इस टाइम। और वहाँ पर जाके ना हम लोग मशाल लेके गई थी, सब लोग मिल के जला के डांस कर रही थी थोड़ा बहुत। और उसके बाद हमारे विसर्जन मतलब करना है, करना था। और संदीपन आज तो थोड़ा ज़्यादा ही पागलपंती दिखा रहा था, जो कि डांस कर रहा था। 2 दिन से मैं बोल रही थी चलो डांस करते हैं, डांस करते हैं, पर आज उसको डांस आया, जोर जोर से डांस आया, मतलब यहाँ पे भी आके डांस कर रहा था। सो जो भी है, हम लोग बहुत ही इन्जॉयमेंट में हूँ। और फाइनली यहाँ पे हमारे विसर्जन होने वाला है। और चलो दिखाती हूँ, ये हमारे तालाब है, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि आसपास ना लोग नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे लाइट भी नहीं है। तो हमारे पास ही ये मोमबत्ती लाइट वगैरह था, जो कि इस टाइम यहाँ पे काम में आ गया। और ये देखो, ये तालाब में अभी जो रिचुअल्स वगैरह कुछ है, जैसे लक्ष्मी जी को ना ऐसे पानी में 3 बार अर्चना करना पड़ता है, उसके बाद ही विसर्जन दे सकती हूँ। और माँ को कितना सुंदर लग रहा है देखो इस टाइम। और हमारा विसर्जन हो गया फाइनली, और देखते देखते ही बाकी लोग भी उतने मतलब अपने अपने जो प्रतिमा है ना लेके आ गया विसर्जन के लिए। हम लोग जब आई थी ना बहुत ही खाली था, अभी इतना भीड़ हो गया। और कुछ सेल्फी आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। हेलो एवरीवन, आज हमारे पार्टी डे, तो यहाँ पे खिचड़ी के प्रिपरेशन चल रहा है। हम आंटी लोग मिलके यहाँ पे जो तैयारी है वही चल रहा है, सब्जी काटिंग वगैरह, और पापा बनाएगा खिचड़ी। तो यहाँ पे देखो कितना मस्ती चल रहा है हमारे, और ये सब हमारी फैमिली मेंबर लोग हैं।
हमारे जैसे पूजा भी हुआ था ना, एक दिन का मतलब डिसीशंस लेके पूजा किया था हम लोगों ने सब मिल के। उसी तरीके से यहाँ पे खिचड़ी का प्रिपरेशन भी मतलब 1-1.5 घंटा का समय लेके हम लोग ठीक किया होने वाला है, तो अभी फाइनली यहाँ पे हो भी रहा है सारे फैमिली मेम्बर के लिए यहाँ पे खिचड़ी। और पापा को बोला था बनाने के लिए, सारे काटिंग वगैरह तो मतलब जो रेडी करना था रेडी, तो सारे आंटी लोग मम्मी सब मिलके किया। और खाना पकाने के लिए पापा ने खुद ही बोला था मैं पका दूंगी, तो पापा वहाँ पर लगे हैं खिचड़ी बनाने में। और ये बिग साइज का एक कढ़ाई में भर के खिचड़ी बन रहा था, और सारे मेंबर हम लोग मिलके यहाँ पे बैठ के गप्पे हो रहा था, बहुत ही मस्ती हो रहा था एक्चुअली। खिचड़ी चूल्हे पे बन रहा था जैसे भी पहले मैं दिखा चुकी हूँ, और ये हमारे छत से व्यू था। और यहाँ पर ही हम लोगों ने ये खिलाने के लिए केले का पत्ता काट के रेडी किया, जो कि खिचड़ी और केले का पत्ते का बहुत ही लाजवाब कम्बिनेशन है। जो खिचड़ी का टेस्ट होता है ना, उसके साथ ये पत्ते में खाने में ना 2 गुना टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं कर रही हूँ सर्व, और सब मिलके काम करने में ना मज़ा ही होता है ना। हमारे सारे फैमिली मेंबर 40 से 42 लोगों का खिचड़ी यहाँ पर आज तैयार हुआ, और सारे मिलके हम लोग इंजॉय कर रही हूँ खिचड़ी। और स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले बच्चा पार्टी था, उसके बाद हम लोग हैं, और इसके बाद बड़े लोग मिलके खिचड़ी खाएंगे। और आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गाइस, तब तक के लिए बाय। सब हैप्पी रहना, खुश रहना, और हमेशा स्माइल करते रहना। ओके, गुड नाइट, बाय।